वैसे तो पूरे देश में गौ सेवकों की कमी नहीं है, लेकिन इस बीच माँ गोमती गौ सेवा संस्थान और इसके संचालक संजय साहू ने गौ सेवा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि संजय साहू द्वारा पूर्णतः निस्वार्थ व निशुल्क भाव से गौवंश की ये सेवा की जा रही है। निगम भिलाई के वार्ड 16 गोकुल नगर में इनका एक छोटा सा गौठान है, जहां संजय साहू और उनकी टीम द्वारा गौवंशों की सेवा पूरी तत्परता से की जाती है। यहां शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से एक यंत्र स्थापित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला यंत्र है। इस यंत्र की परिकल्पना भी संजय साहू द्वारा ही की गई थी, जो आज साकार हुई है। ऐसे गौवंश जो गंभीर रूप से घायल होकर इस गौठान में पहुंचते हैं या उनको बेड सोल की शिकायत हो जाती है, तो इस यंत्र द्वारा खड़ा किया जाता है। यदि किसी गौवंश की कमर टूटने से वह खड़ा नहीं हो पा रहा हो तो उसे इस यंत्र पर रखकर उपचार किया जाता है, साथ ही मालिश की जाती है, तो ये सभी बाधाएं ठीक हो जाती है। छत्तीसगढ़ के इसी पहले यंत्र का आज उद्घाटन गोकुल धाम कुरुत स्थित माँ गोमती गौ सेवा संस्थान में दुर्ग यातायात विभाग के DSP गुरजीत सिंह के हाथों से किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य और गौ सेवक उपस्थित थे। बताया जा रहा है कि इस यंत्र के लग जाने से गौवंश के उपचार में और भी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। इस गौ सेवा संस्थान में उपचारित एवं विकलांग गौवंश की सेवा लगातार की जाती है। इनके लिए पैरा कुट्टी के अलावा हरे चारे की भी व्यवस्था करवाई जाती है। साथ ही गौ सेवा की इच्छा रखने वाले वे लोग जो घर पर गौ सेवा नहीं कर पाते, वह इस गौ सेवा संस्थान में आकर अपनी क्षमता के अनुसार गौवंश की सेवा करते नजर आते हैं। इस मशीन की कार्य प्रणाली के बारे में जहां माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के संचालक संजय साहू ने बताया, वही इसके उद्घाटन मुख्य अतिथि यातायात विभाग के DSP गुरजीत सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि गौ सेवा के नाम पर देश भर में बहुत सारे फर्जी गौ सेवक और गौ सेवा संस्थाएं देखी जा सकती हैं, जिनकी वजह से सच्ची श्रद्धा से कार्य करने वाले भी संदेह की नजर से देखे जाते हैं। परंतु माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के संचालक संजय साहू ने अपनी सच्ची श्रद्धा से गौवंशों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। आज इस संस्था का शहर के गणमान्य लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। जी सर, कैसा लग रहा है गौ सेवा समिति में आपका? आज माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर, जैसा सबको पता है कि पूरे दुर्ग भिलाई शहर में ये लगातार गौ माता की सेवा के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या जिनको कभी चोट लग जाती है गौवंश को, उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं सतत रूप से। तो यहाँ पर गोकुल नगर में इनके द्वारा ये डिस्पेंसरी या क्लिनिक कहें, इसको चलाया जा रहा है। और आज इनके लिए गौ माता के लिए ये परेशानी होती थी कि कई गौवंशों को चोटिल होते थे तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, तो उनको बेड शोर या ऐसे घाव होते थे जिनके सेवा नहीं हो पाती थी या घाव जल्दी ठीक नहीं होते थे और परेशानी होती थी उनकी उपचार में परेशानी होती थी। उसको देखते हुए एक इनके द्वारा ऐसा एक यंत्र बनाया गया है जिसमें गौवंश को आराम से उसके उपचार किया जा सकता है, अपने पैरों पे खड़े होकर उनको उपचार किया जा सकता है। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ संस्थान के सदस्यों का और इनकी सोच का। मुख्य बात है कि ऐसा सोचना और गौवंश की सेवा के लिए और आगे बढ़ना, निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य है। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ इनके पूरी टीम को, संजय भाई, अमित भाई, इनके पूरी टीम को, जितने लोग हैं सबका नाम मुझे अभी नहीं ले पाऊँगा, तो कि ये पूरी टीम अपने लगन से लगे हुए हैं, मेहनत से, और आगे भी ऐसे ही इस पुनीत कार्य में ये सफल रहेंगे। धन्यवाद। जी बताइए, बताओ संजय जी, कैसे सेवा करते हैं? क्या है मतलब सर्विस के साथ साथ में ये हम लोग 7 या 8 साल हो रहा है करीब जुड़े हुए हैं गौ सेवा में, तो सबसे साथ मिल के ही काम कर रहे हैं, सभी का सहयोग से मतलब काम कर रहे हैं। अब कैसी टीम आपकी नई बनी है? अजय भाई आपके साथ जुड़ गए हैं, सांप पकड़ने में बाकी लोग भाई लोग जुड़े हैं, और नाम लोग कैसे? अजय हैं, अरुण सर हैं, DSP साहब हैं, शर्मा जी हमारे सहयोगी, दीपक भाई हैं, थापा जी हैं, पवन भाई है, सब इनके सहयोग से ही हम लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है, अब क्या आपको समाज से अपेक्षा है या फिर हम लोग से या फिर सरकार से क्या अपेक्षा है आप लोग भी गौवंश के संरक्षण में ये सब में थोड़ा आगे बढ़ के सहयोग करें हमारा, तो और अच्छे से होगा ये काम। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.